मजदूर वाली मेहनत करिए यार कम से। एक खुशखबरी की बात यह है कि अपनी होने वाली है तरक्की ब्रो। हेलो वेलकम बैक, गौतम श्रीवास्तव कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हो गए। मैं गौतम श्रीवास्तव एक और रोमांचक वीडियो के साथ में। और इस टाइम तुम्हारा भाई ड्राइविंग कर रहा है और एक तगड़ी सी चीज खाने जा रहा है ब्रो। क्या? मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है और छोले भटूरे जो है छोले भटूरे मेरे फेवरेट है। और इस टाइम फटाफट जाम में देख रहा हूँ, जैसे बोलते हैं एक्सपर्ट फोन पकड़ो, इसे बोलते हैं एक्सपर्ट। और फिलहाल जो है हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने और थोड़ी सी दूरी पे है, तो जब तक थोड़ा सा एंजॉय करो। और बहुत अच्छी होने वाली है वीडियो, मैं बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ। और मेरे पास जब आ रहे हैं प्रमोशन, एक खुशखबरी की बात यह है कि अपनी होने वाली है तरक्की ब्रो। तो फिलहाल थोड़ा सा ड्राइविंग देखो भाई। भाई साहब एकदम गदर लजीज चीज, मेरे को एकदम मजा आने वाला है इसको खाने के। देखो कैमरा पकड़ रहा है, सही से पकड़ना, सही है ना? ठीक है, इसको ना थोड़ी सी चटनी और ये जो है ना, मैं यहाँ पे कम से कम बहुत लॉन्ग टाइम से खा रहा हूँ, इसके टेस्ट बहुत तगड़ा होता है। इसे दिखाया ऐसे करके, रुक जा ये। बस यहाँ पे जो है अभी छोले भटूरे बहुत मज़ा आ गया खा के, ठीक है। और मिर्च मसाला ना हो तो फिर थोड़ा सा चटपटा स्वाद कैसे आएगा, नहीं मसाला बहुत तगड़ा था। और यहाँ का थोड़ा सा और अच्छा है क्योंकि इसको स्पेशली जो छोले भटूरे जो एक डिश है वो जहाँ तक मेरा मानना है पाजियों की डिश है, ठीक है, सरदारों पंजाबियों जो भी है, क्योंकि खाने पीने काफ़ी शौकीन होते हैं। शौकीन तो हर चीज़ में होते हैं पर मेरा मानना है कि शौकीन होते हैं, ठीक है। फिर और अभी इस टाइम जो है बाज़ार में है, जैसे कि साप्ताहिक बाज़ार होता है, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये बाज़ार है। और जैसे मंगलवार सोमवार संडे बाज़ार, मतलब संडे बाज़ार मोस्टली जाने देते होंगे पर मेरे अदर स्टेट से भी वीडियो देखते हैं, तो ये सोमवार बाज़ार है हमारे एरिया का और ये लगता है सैयद गांव में, ठीक है। और बस फटाफट चलते हैं, दिखाऊँगा आपको और आप ज़रूर मतलब देखोगे तभी समझ आएगा। चलते हैं फटाफट। और आज नेक्स्ट डे है, ठीक है। और आज जो है मेरे को यार एक काम दे दिया है घर वालों ने, ये मेरा एक्चुअल में मतलब ये हरियाणा में घर है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, ये दीवारों गेट जो है ना, इन गेटों में करना है पेंट। और इसमें यार बहुत सारे गेट हैं, पता नहीं कैसे होगा, मेरे से थक जाऊंगा बुरी तरह। और ये देखो आप, ठीक है, तो ये गेट हैं और ये ठीक ठाक सा किचन है, ये मतलब रेंट पे देने के लिए। और अभी इन गेटों में ना जो है, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, तो एक्चुअली ये जो है ना खारे पानी से गलना स्टार्ट हो जाता है गेट, खारा पानी लग लग के, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये खारा पानी की वजह से होता है क्योंकि खारा पानी गला देता है कोई भी चीज़ को। तो फिलहाल जो है इन गेटों पर करना है पेंट। और ये अपना छोटा सा किचन है, ये बेसिकली रेंट पर देने के लिए रख रखा है। और ये तो बताया जैसे कि हरियाणा में है, और ये भी गेट है, इसका भी ये लेटरिन है, ठीक है, मतलब वॉशरूम। और ये एक और छोटा सा कमरा है, फिर एक और ये गेट है, फिर ये गेट है और फिर ऊपर भी है, फिर ख़त्म। मतलब आज मैं फुल गंदा वाला थकने वाला हूँ गाइस। और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला पर मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होगा, ये तो देखते रहो कैसे करता हूँ ये सब। हाँ इन्जॉय आएगा, अच्छा लगेगा, वैसे अच्छा ही लगेगा यार, क्यों नहीं लगेगा अच्छा, जब मैं इतना चूतिया भाग करता हूँ तो पता है इतनी दूर है, एक तो चलते चलते थक गया। और यहाँ पे जो है ना इस बेड पे मेरा ये बचपन था, इसमें मैंने बचपन गुजारा इस बेड पे अपना फर्स्ट क्लास। और ये बेड पे मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ अपने टाइम में, और ये बेड मेरे को किस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऊँचा लगता था, और अब देखो अब तो मैं ऐसे करके चढ़ जाऊँ इस पर। और फिर छोटा सा घर है अपना, ठीक ठाक रेंट पे आ जाता अपना अराउंड। और ऊपर भी एक है उसमें, वो मतलब ठीक ठाक है छोटा सा, ऊपर भी है, ऊपर भी देना है। तो फटाफट से इन गेट इन पे क्या ना, अभी जो भी रेंट पे रहते थे उनसे मतलब वो किसी कारण से खाली कर चुके हैं, और अब जो है मेरे पास टाइम है, पापा ने बोला है कि
इन गेटों पे क्या ना पेंट कर देना, तो इससे थोड़ी सी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाते हैं कारगर, वरना ये गलना स्टार्ट हो जाता है खारे पानी से। यहाँ पे खारा पानी है, मीठा पानी भी नहीं आया है। और नॉर्मल आप देहात में जाओगे ना कहीं पे भी, तो आपको जो है मीठा पानी नहीं मिलेगा। जैसा आप दिल्ली में पीते हो, मुंबई में पीते हो, वो पानी मतलब जो जल बोर्ड से आता है ना, दिल्ली जल बोर्ड, मुंबई जल बोर्ड, जो भी जहाँ से भी, तो वो मतलब रिसाइकल होता है, ठीक है। और एक पानी आता है ज़मीन के अंदर से, तो वो कहीं ना कहीं, वैसे तो मीठा पानी भी होता है मोस्टली, यहाँ पे भी मीठा ही है, और कहीं ना कहीं उसे खारा पानी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ों को जो है दिल्ली नेचुरल चीज़ है, तो नुकसान तो देगी और फ़ायदा भी देगी, ठीक है। तो हर चीज़ के फायदे और नुकसान होता है। फटाफट से बिना टाइम जाया कर दिए फटाक से गेट पे। तो तुम्हें एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया मेरे को, गाइस ये है अपना पेंट, देख लो आप, ये पेंट है। और इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता भाई, इसको मिक्स कर लगा, इसको मतलब डाल के उस बाउल में डाल के, और ये कपड़े दे रखा ना मैंने मेरे को पूछने के लिए। और ये अपना ये बुरुस हो गया फटाफट, अब थकने वाला हूँ, पहले तो कपड़े चेंज कर लेता हूँ मैं फटाक से अपने, नहीं नए कपड़े पर अगर ये पेंट गिर गया ना तो कपड़े भी बेकार हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इस चेंज कर लेते हैं यार, उसको खोलने में भी एक परिश्रम, ऐसा ही बता रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इतने सारी हथियार प्रयास करने के बाद जो है ये इससे खोला है, ऐसे धीरे धीरे खोल खोल के। अब जो है ये एंडिंग पॉइंट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुल चुका है, बस अब थोड़ा सा और रह गया, ये खुल यार, अभी भी टाइट है दस्तर से। ये ओ भाई कलर निकल रहा है, लीलियां पीली यह कलर। और इसको ना मिलाने से मतलब ये जो है थोड़ा सा मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक है, और फिर इसको मिलाने से ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाएगा एक तरीके से, और कुछ नहीं। चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करो जब तक थोड़ा सा, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसे ही मतलब आज पूरा दिन मेरे को यहीं पर गुजारना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करे करो यार, और शेयर जरूर करे करो, मेरे बारे में बताओ करो, क्योंकि मैं गौतम श्रीवास्तव नाम का एक मस्त यूट्यूबर आई देख रहा है, क्या बोलते हैं यार। तो तुम्हारे भाई ने देखो ये कपड़े लेके आया था, ये शर्ट थोड़ी सी इस तरह यहाँ से ना फटी हुई है, इसलिए मैं इसको पहनता नहीं, और ये पजामा भी लेके आया था घर से, फुल एकदम रगैट अप रह के ये खुल चुका है, और बस उस बाउल में मिलाना है। तो बड़ी मुश्किल से जो है कैमरा सेटअप कर पाया हूँ मैं, अपना जो है पोर्ट नहीं लेके आया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ बोलने की हालत में, और फिर भी मैंने सोचा एक क्लिप चढ़ा दी चाहिए ना, बना के पता कैसे लगेगा मैंने तो ही। हाँ तो इसके पीछे जो है मैं पेंट कर चुका हूँ, उस वाले गेट के आगे पीछे दोनों तरफ पेंट कर चुका हूँ, और इस पर अभी बाकी है। तो देखो मैं कैसे पेंट करता हूँ, किसी को कराना हो तो बता देना, नंबर डिस्क्रिप्शन। सकर बहुत बेकार लग रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर करना, वैसे हूँ नहीं मैं इतना स्मार्ट, वैसे देख रहा हूँ इतना स्मार्ट हाँ भाई बहुत ज़्यादा थक हो चुका हूँ, थक हो चुका हूँ, कुछ बोल रहा हूँ कुछ कह रहा हूँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, और है नहीं चमक गया भाई। तो भाई सीन है लगा कि मैं जो है थोड़ी देर सो गया था, 5-6 गेट अंदर गेट मैंने पेंट कर दिया था, उसके बाद मैं खाना खा के सो गया था, और अब करीबन टाइम हो रहा है, एक सेकंड टाइम हो रहा है अपना 3:25 हो रहे हैं, फिर से उठ गया हूँ, फिर करना है, मुँह पे देख रहा हूँ तिल बन के बहुत सारे है कि नहीं, तो
फुल मेहनत चल रही है दोस्त, और मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा भी है। और देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा, ऊपर भी करना है तो उसकी भैंस कैपेसिटी। ये तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है मेरा, ये भी ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है, बाकी सब ठीक है। चलते हैं स्टार्ट काम। हालत यार इतनी बेकार हो गई है ना, मैं ज़्यादा एक्चुअली मेहनत कर नहीं पाता, ठीक है। और आज इतने दिनों बाद इतनी स्ट्रगल वाली मेहनत करी ना, एक मजदूर वाली मेहनत करी है यार। कम से कम इस घर में ना केवल मतलब ये मतलब फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर है नहीं, नॉर्मली बना रखा है हमने यहाँ पे, ये देने के लिए भी खाली है सारे ऊपर से लेकर नीचे तक। और इतना थक गया ना, बोल नहीं सकता, जैसे जैसे एनर्जी लो वाली फील आ गई और बेहद ही तगड़ी वाली यार आज वो हो गई मजदूरी। और इस मजदूरी के कोई पैसे भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि यार ये अपनी चीज़ है और अपनी चीज़ पे कोई पैसे थोड़ी दे सकता है। और लुक कैसा लगा तुम्हें, मतलब यूनिक लुक भी आया एकदम बढ़िया वाला, जैसे कि जो मैं चाहता था कि हाँ ऐसे भी मैं कभी मेहनत भी करनी चाहिए। नहीं, मेरे को किसी ने बोला कि मेहनत करनी चाहिए और मेहनत होनी भी चाहिए। और थक गया यार बहुत ज़्यादा। अभी देखो मैंने कितने, एक ये गेट है, ठीक है, और कितना पेंट कर करके मुंह पे लगा लिया, हर जगह ऐसे लग गया जैसे, ये देखो एक इस पे पेंट करा, फिर इसके पीछे एक है और इसका गेट टूटी गया गल के, और ये देखो ना कितना ज़्यादा जो है बेहद ही गल चुका है गेट, और फुल मतलब इतनी अच्छी तो कर नहीं पाता मैं पेंटिंग, पर ठीक ठाक है जो भी अपना बढ़िया है और ठीक ठाक चल रहा है यार। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। तो सीन पता क्या बेसिकली यार, कि वीडियो क्यों नहीं बना पाता, वीडियो यार अब ऐसे नहीं बना पाता कि कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी पर्सनल काम, कभी कहीं यार इंटरेस्ट है ना, मेरा मानना ये है कि इंटरेस्ट बंदा जब लेता है जब आप कोई यूनिक चीज़ करते हो। हाँ, हमें यूनिक चीज़ करने के लिए क्या लगता है, पैसा, पर पैसा भी है बट ऐसी बात नहीं है, बट किसी टाइम पे होता है तब मेरा मन नहीं करता, जिस टाइम नहीं होता उस टाइम मेरा मन करता है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करा करूँगा कि बहुत जल्दी तगड़ा सा तहलका मचाने वाला अपने, मतलब 100,000 तो टच होने वाले सब्सक्राइबर अपने बहुत जल्दी, ठीक है। और मैं बहुत तगड़ा प्लान कर रहा हूँ, एक जिसे बोलता ना पहले प्लान करके चलना होता है, ऐसे नहीं कि चल दिए तो रास्ता बन जाएगा वो वाली बात है, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जो प्लान करके ही अच्छी रहती है। और मेरा मानना है कि प्लान मतलब प्लान करके चलना ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, और मज़ा आने वाला है, इंजॉय करो। तो भाई ये अपनी फाइनल दुकान है, ठीक है, ये अपनी छोटी सी दुकान है, और अभी इस टाइम अपनी शॉप में हूँ मैं, बहुत कम आता हूँ, मम्मी बैठती है यहाँ पे, एक बार हेलो करता हूँ, ठीक है। और जो है ना ये अपनी शॉप है, और अपनी शॉप की मतलब सबसे जो सबसे अभी फ़िलहाल तो महंगे भी लेने जा रहे वाले थे माल, तो किसी कारणवश से जो है जा नहीं पाए, और उस टाइम मैं अपनी शॉप की सबसे महंगी जो साड़ी अभी इस टाइम जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, और शायद अगर किसी को पसंद आ जाए तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है कमेंट में, ठीक है। और कुछ भी चाहिए हो, सूट, साड़ी, लहंगा, लाचा, कुछ भी एवरीवन, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे को आप कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अम्मी एक साड़ी ना खोल के दिखा दो एक बारी, ये कुछ साड़ी जो है ना पूरी भरी हुई है, और एक होती है मतलब पल्लू पल्लू पे, दिखा दो एक बार ऐसे करके, इसका वर्क जो है ना सारा हैंडमेड, हैंड मतलब हाथ से बना हुआ है, जितना भी काम है ना इसका, ये सारा जो है हाथ से बना हुआ है। और ये अभी हमारे पास ओनली फॉर ये जो है, वैसे अगर कोई होलसेल में लेना चाहे तो उसके लिए अलग रेट है, और रिटेल में लेना चाहे तो 3,000 इसके लिए प्राइस है, ये 3,000 रुपये की साड़ी है इस टाइम हमारी दुकान पे। बाकी माल आने वाला है, अगर किसी को इसमें कलर दिखा देना अम्मा, कलर इसमें येलो मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, और ये अपना ग्रे कलर है थोड़ा सा मतलब इसको, ठीक है, और सब पे पिक्चर एक ही दे रखी है मतलब। थैंक यू सो मच ऐसी वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी तगड़ी वीडियो आने वाली है। और इस चैनल को अब मैं सोच रहा हूँ कहीं का टूर बनाऊँ, और आप सजेशन करो कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कोयम्बटूर जाने की या केदारनाथ, दो में से एक ऑप्शन बताओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट से वहाँ पर चलेंगे, ठीक है।
और जितने ज़्यादा कमेंट जिसके होंगे वो वहीं चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।